हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल का आज पहला ही दिन था और उसके जॉब पर। सुबह सुबह जब वो सोकर उठती है तो घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। वो खुद से कहती है, अरे बाप रे, ये क्या 8 बज गए, आज तो मैं लेट ही हो जाऊंगी। मेरी जॉब का पहला दिन है और उसमें भी मैं लेट ही हो गई, अब क्या करूं मैं। तभी वहां पर कोमल की माँ मधु आती है जो कि कोमल से कहती है, उठ गई महारानी। अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सो जाएं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। अरे माँ, आप ये सब कहना बंद करो, वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ, मुझे 9 बजे ऑफिस पहुँचना था, अब मैं पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी। हे भगवान, बचा लेना मुझे। हाँ, अब भगवान के पास यही काम तो रह गया है कि वो तुझे लेट होने से बचाए। जा, जल्दी से रेडी हो जा। अपनी माँ की बात सुनकर कोमल जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होती है और फिर जल्दी से बाहर रिक्शा लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर एक भी रिक्शा नहीं था। काफी दूर तक कोमल पैदल चलकर जाती है, तब जाकर उसे एक ऑटो मिलता है जिसमें बैठकर वो ऑफिस जाती है। लेकिन ऑफिस जाते ही उसे 9:30 हो जाते हैं और वहाँ पर उसे सब देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये लो, मैडम का पहला दिन है और हाफ डे लग गया। यार ऐसे मत कहो, ये बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? सर इस बात से गुस्सा तो नहीं होंगे ना? एक काम कर, जा कर सर से बात कर ले और वो बता देंगे कि तेरा आज हाफ डे लगेगा या नहीं। पक्का ना? बाद में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे तू जा तो एक बार, बात करके तो देख एक बार। मीनू की बात मानकर अब कोमल अपने बॉस से बात करने लगती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं कोमल हूँ, आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, लेकिन किसी वजह से मैं लेट हो गई, तो क्या आज मेरा हाफ डे लगेगा? क्या कहा, पहला दिन और पहले दिन तुम लेट हो गई? ये क्या बात होती है? सॉरी सर, आगे से पक्का ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगी कि समय से पहले ही आया करूं, आज माफ कर दीजिए बस। अच्छा अच्छा ठीक है, पहला दिन इसलिए माफ कर रहा हूँ, आइंदा से ना ये गलती ना रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आज के लिए सॉरी और माफी के लिए थैंक यू। इतना कहकर अब कोमल वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके बाद सब उससे पूछते हैं कि सर ने उसे क्या कहा, तो वो बताती है कि उसका हाफ डे नहीं लगा, लेकिन आगे ऐसा हुआ तो लग जाएगा। यूं ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। 1-2 दिन तो कोमल समय पर आने लगी थी। हर दिन की तरह एक दिन और कोमल अपने समय से ऑफिस के लिए घर से निकलती है और बस स्टॉप पर जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ आज कोई भी रिक्शा या बस नहीं है। ये देखकर कोमल कहती है, ये क्या, आज फिर से कोई रिक्शा नहीं है, आज लगता है मैं फिर से लेट हो जाऊंगी, और आज तो सर मेरा हाफ डे लगा ही देंगे, क्या करूं मैं, हे भगवान बचा लो। इतना कहकर जब वो दोनों बस स्टॉप तक जाती हैं तो देखती है कि वहाँ कोई भी बस नहीं थी, और वहाँ पर उसे मीनू भी दिखाई देती है जो कि लेट हो चुकी थी। उसे देखकर कोमल कहती है, अरे मीनू ये क्या, तुम भी लेट हो गई क्या आज? हाँ यार, देखना सुबह से खड़ी हूँ यहाँ, लेकिन कोई रिक्शा या बस आने का नाम ही नहीं ले रही है, अब क्या करूँ, अगर लेट हो गई तो हाफ डे लग जाएगा मेरा भी। अरे यार लगता है आज तो हमें पैदल ही चलकर जाना होगा ऑफिस तक, अभी बस 20 मिनट ही बाकी हैं ऑफिस पहुंचने में। हाँ सही कहा तूने, चल चलकर ही जाते हैं। इतना कहकर अब दोनों भागते हुए ऑफिस की ओर जाते हैं, लेकिन ऑफिस दूर होने की वजह से उन्हें पूरे 19 मिनट लेट हो जाता है, और वो दोनों ठीक 9:30 बजे ऑफिस पर पहुंच जाती हैं। और जब तक वो ऑफिस के अंदर घुसी हैं, पूरे 9:31 हो चुके थे। ये देखकर दोनों अपने ऑफिस के सर के पास जाती हैं और सुमित से कहती हैं, सर आज हम बस 1 मिनट से ही लेट हो गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिक्शा या बस नहीं थी, आज के लिए माफ कर दीजिए। जी सर, आपको तो पता ही है ना कि मैं रोज समय पर आती हूँ, आज ही 1 मिनट से लेट हो गई हूँ। तो क्या हुआ, लेट का मतलब लेट होता है, और आज तुम दोनों का हाफ डे लगेगा, समझी तुम? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देखे जा रहे हो, अब जा सकते हो तुम दोनों। मीनू और कोमल दोनों ही सुमित को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और दोनों का ही हाफ डे लग जाता है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं, और ऐसे ही कोमल लेट हो रही थी, इस बात से वो बहुत परेशान थी, कभी रिक्शा बस नहीं मिलते तो कभी उसे ट्रैफिक मिलता, और उसका हर दिन हाफ डे लग रहा था। एक दिन कोमल खुद से कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपना हाफ डे नहीं लगने दूंगी। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है और कोमल को इतने जोश में देखकर वो कहती है,
क्या बात है, आज तो कतई अंगार लग रही है। आज फिर से हाफ डे लग गया क्या? हाँ यार, क्या करूँ, रिक्शा बस कुछ तो मिलता ही नहीं है, इसलिए लेट हो जाती हूँ और हाफ डे लग जाता है। जब तुझे ये ऑफिस दूर पड़ता है तो तू कहीं और क्यों नहीं देख लेती जॉब, जहाँ पास पड़े तुझे भी? नहीं यार, यहाँ पर मुझे सब सही लगता है, अच्छा खासा माहौल है, सैलरी भी अच्छी है यहाँ की। देख ले भाई, तुझे जैसा ठीक लगे, फिर मत कहना लेट होने के कारण मेरा हाफ डे लग रहा है। कल से मैं लेट आऊंगी ही नहीं, जल्दी ही आऊंगी, कुछ भी हो जाए। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और उस रात वो अपने फोन में सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती है और सो जाती है। अगली सुबह वो समय से उठती है और टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप जाती है तो वहाँ गाड़ियाँ तो होती हैं, पर वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और टाइम से पहुँचने के लिए कोमल एक रिक्शे में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर से ट्रैफिक लग जाता है, जिस वजह से कोमल रोड क्रॉस करने के लिए रिक्शे से उतर जाती है। और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगती है उसको एक गाड़ी टक्कर मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब कोमल की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है, जहां सुबह के 9:25 हो रहे थे। ये देखकर कोमल हाथ में ग्लूकोज की बोतल को उठाकर वहां से भागने लगती है और जब सब उसे रोकते हैं तो वो कहती है, जाने दो मुझे, लेट हो जाऊंगी मैं ऑफिस के लिए, मेरा बॉस मेरा हाफ डे लगा देंगे, मुझे जाने दो यार, मुझे लेट नहीं होना। अरे आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए, कहाँ जा रही हैं आप? अरे आराम गया भाड़ में, मुझे जाना है ऑफिस, मैं लेट हो गई, बॉस मेरा हाफ डे लगा देंगे। जब सबको पता चलता है कि कोमल की हालत के बारे में तो उसकी माँ और दोस्त मीनू उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर से कोमल की हालत के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है, देखिए आपकी बेटी बार बार एक ही बात कर रही है कि वह लेट हो जाएगी, ऑफिस जाना है, हाफ डे लग जाएगा, का एक ही कारण हो सकता है कि रोजाना उसका हाफ डे लगने और लेट जाने का डर उसके दिमाग में घर कर गया है। हो सकता है कि उसके लिए ये जॉब बहुत जरूरी हो, इसलिए उसे इस बात की चिंता है। तो डॉक्टर हमें क्या करना चाहिए, कोमल ठीक कैसे होगी, कुछ दवाई चलेगी या कुछ और? ज्यादा कुछ नहीं, बस कोमल को अपने माहौल चेंज करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप उसे कुछ समय के लिए बाहर ले जाए, काम पर तो बिल्कुल ना भेजे, वो अभी मेंटल इश्यूज फेस कर रही है तो उसे अभी काउंसलिंग की भी जरूरत है, ताकि उसके दिमाग में हाफ डे और लेट होने का डर निकल जाए। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद कुछ समय तक कोमल काउंसलिंग को अटेंड करती है और जिस जगह वो काम किया करती थी वहाँ से भी उस दिन के बाद से लेट होने पर हाफ डे लगने वाला रूल खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ के ओनर को ये अक्ल आ जाती है कि जब कोई इंसान रास्ते पर निकलेगा तो उसे ट्रैफिक भी मिलेगा और वो लेट भी होगा। चंचा दोपहर में सोकर उठती है तो अपना पेट पकड़े हॉल में आती है। इधर उधर देखने पर जब उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती तो वो उसे आवाज लगा कर कहती है, माँ माँ कहाँ हो आप, घर में हो भी के नहीं? घर में ही हूँ, कमरे में शांति से भजन सुन रही थी। तुझे क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं तो। हाँ फिर जोर की लगी है तो बाथरूम जाना, ऐसे पेट पकड़ कर क्यों खड़ी है? माँ मुझे जोर की लगी है, लेकिन उसके लिए मुझे बाथरूम में नहीं आपको रसोई में जाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे भूख लगी है। चंचल तेरा पेट है कि कुआ, अभी कुछ देर पहले तूने नाश्ता किया था ना? माँ कुछ देर बीते हुए थोड़ी देर हो गई है, इसीलिए ना गरम गरम पराठे बना दो। पराठे तो बना दूँ, खाएगी किसके साथ, क्योंकि सब्जी तो कोई है नहीं और अचार खत्म हुए 4 दिन हो गए हैं। माँ घर में गरीबी छाई हुई है क्या, मतलब अभी सूखे पराठे खाने के दिन आ गए हैं? अरे कुछ तो दे दो। सुषमा रसोई में जाती है और कुछ देर में उसके लिए चीनी के पराठे बना कर ले आती है, जिसे खाते ही चंचल कहती है, वाह माँ मीठे पराठे तो बड़े मस्त लग रहे हैं, लेकिन आज से पहले तो आपने कभी नहीं बनाए चीनी के पराठे। अरे चीनी के पराठे सेकते हुए तवे पर चिपक जाते हैं ना, इसलिए नहीं बनाती, पर मैंने सोचा तो सूखा पराठा कैसे खाएगी, तो मैंने ये चीनी का पराठा बना दिया। वाह माँ
तभी कहते हैं जब तक माँ हो बच्चे भूखे और स्वादिष्ट खाने से दूर नहीं रह सकते। मुझे तो ये चीनी के पराठे बहुत ही पसंद आए, दो चार और ले आओ। अरे कहाँ से ला दूँ, दो चार ही बनाए थे तो खाकर प्लेट धोकर रख दियो, वरना चीनी के चलते चींटियां लग जाएंगी प्लेट में। इतना कहकर सुषमा अपने कमरे में चली जाती है और चंचल गपा गप सारे चीनी के पराठे खा जाते हैं। समय बीतता है, तब से उसे मीठे पराठे यानी चीनी के पराठे भासे जा रहे हैं। एक रोज वो अपने फ्रेंड के साथ एक ढाबे पर जाती है तो उसकी दोस्त रिधिमा कहती है, हाँ तो जल्दी जल्दी बोलो किसको क्या खाना है। क्यों, तू ऑर्डर लेने वाली है क्या? ठीक है फिर तो मैं आज मस्त पनीर पराठे खाऊंगा हरी चटनी के साथ। अबे यार तुझे ढाबे पर आकर भी पराठे ही खाने हैं, नान चावल या कुछ और खा ले। क्यों, पराठे में क्या दिक्कत है, मुझे भी खाने हैं पराठे तो। ये हुई ना बात, बोल चंचल कौन से पराठे खाएगी। मुझे मीठे पराठे खाने हैं। क्या मीठे पराठे? ओ माते, ये मीठे पराठे कौन से डिश है? मेरी मम्मी की डिश, पता है कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे लिए चीनी के पराठे बनाए थे। हाँ तो घर जाकर खाइयो, ढाबे पे कहाँ तुझे चीनी के पराठे मिलने वाले हैं, यहाँ के मेन्यू में तो कहीं नहीं है। अरे यार मेन्यू में सब कुछ थोड़ी ना लिखा होता है, उन भैया से पूछ लेते हैं। अरे भैया जरा यहाँ तो आना। तभी वो आदमी चंचल के बुलाने पर वहाँ आता है और उसे कहता है, जी बोलिए क्या ऑर्डर है आपका? वो भैया आपके यहाँ चीनी के पराठे मिलते हैं? जी नहीं मैडम, जो मेन्यू में लिखा है बस वही मिलता है, और चीनी का पराठा यहाँ तो क्या आपको किसी भी ढाबे पर नहीं मिलेगा। क्या भैया इतना बड़ा ढाबा है लेकिन चीनी के पराठे नहीं है आपके मेन्यू में, छोड़िए हमें नहीं खाना आपके ढाबे पे खाना। भैया आप इसका छोड़ो, मेरे लिए एक प्लेट पनीर पराठा और इसके लिए बटर नान ले आना। जी अभी लाया। ऑर्डर लेकर वो आदमी खाना लेने चला जाता है। ढाबे पर चीनी का पराठा ना मिलने पर चंचल कुछ नहीं खाती और घर आने पर अपनी माँ से चीनी का पराठा बनाने को कहती है तो उसकी माँ गुस्से में कहती है, अरे मैंने नमकीन चावल बनाए हुए हैं वो खा ले जाकर, अभी चीनी का पराठा किस खुशी में बना दूं? माँ मुझे चीनी का पराठा पसंद है तो वही खाऊंगी ना, अभी मेरा चावल खाने का जरा भी मन नहीं है। हाँ तो ऐसा कर, वो रहा किचन, इन पैरों से चलकर जा और वहाँ खुद बना ले और जितना चाहे उतना खा ले। माँ मुझे बनाने आते तो मैं आपको तकलीफ क्यों देती, प्लीज माँ बना दो ना, आगे से मैं बना लिया करूँगी, आप मुझे सिखा देना। लगता है गलती ही कर दी तुझे चीनी के पराठे खिलाकर, ला रही हो बनाकर, मुँह मत बना। तभी सुषमा पराठे बनाने रसोई में जाती है और कुछ देर में चंचल चीनी के पराठे लिए अपने कमरे में बैठकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, अब वो खुद ही मीठे चीनी के पराठे बनाकर खाया करती। एक रोज जब वो हॉल में बैठी चीनी के पराठे खाकर खत्म कर देती है तभी वहाँ उसकी पड़ोसन मंजू आती है और प्लेट के पास ढेर सारी चींटियां देखकर कहती है, सुषमा अरे ओ सुषमा। अरे मंजू बहन तुम यहाँ, क्या बात है? वो तो मैं पूजा के लिए तुझे बुलाने आई थी। वैसे एक बात तो बता, घर में सफाई नहीं रखती क्या तू? देख तो सही चंचल के आगे पड़ी प्लेट में कितनी चींटियां चल रही हैं। हे भगवान, जरूर इस लड़की ने चीनी का पराठा खाया होगा, ये लड़की भी ना। अरे वो ये कुछ मीठा खा रही थी तो बस उसके चलते ही चींटियां लग रही हैं। मीठा यानी तूने घर पे कुछ मीठा बनाया है? क्या बनाया है, मुझे नहीं चखाएगी? नहीं, क्योंकि जो बनाया था खत्म हो गया, अभी दोबारा बनेगा तब आइयो और मैं समय से आऊंगी पूजा में, ठीक है? हाँ हाँ जा रही हूँ। मंजू अपने घर चली जाती है तो सुषमा चंचल को घूरने लगती है। तभी चंचल अपने कमरे में जाती है तो सुषमा उसे टोकते हुए कहती है, पेट भर गया तो कमरे में चल दे, और महारानी यहाँ जो चींटियां लग रही है, प्लेट धोने के लिए कोई बाहर से आएगा क्या? माँ थोड़ी देर में धो देती हूँ ना। हाँ जब तक इसमें चींटियां लगने दो, मैं ना घर में चीनी लाना ही बंद कर दूंगी, जब मन करता है चीनी के पराठे बनाकर ठूसने बैठ जाती है, ऐसे तो राशन की सारी चीनी ही पराठे खा के निकाल देगी तू। नहीं माँ इतनी भुक्कड़ नहीं हूँ, और मैं तो कहती हूँ आप भी ये मीठे पराठे खाया करो, जब देखो करेले साग कड़वा कहती हो। हाँ अभी बातों में भी तुझे मिश्री घोल कर दूँ, चल प्लेट उठा और टेबल भी साफ कर, पूरे में कैसे चींटियां चल रही हैं बताओ तो। अपनी माँ का गुस्सा देखकर चंचल प्लेट उठाकर रसोई में जाती है। समय बीतता है लेकिन चंचल का चीनी के पराठे खाना नहीं छूटता। एक रोज उसकी पड़ोसन मंजू उन्हें अपने घर खाने पर बुलाने आती है। चंचल के लाख मना करने पर भी सुषमा उसे जबरदस्ती उसके घर ले जाती है। जहाँ पहुँचते ही मंजू उससे कहती है, अरे आ गए तुम माँ बेटी, आओ आओ तुम्हारे इंतजार में तो खाना भी ठंडा हो गया। हाँ तो हम वापस ही चलते हैं, वो क्या है ना
मुझे ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है। ओहो ठहर जा, इतने प्यार से तेरी आंटी ने खाने पे बुलाया है और खाना ठंडा हो गया तो फिर गर्म हो जाएगा, क्यों मंजू बहन? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। तभी दोनों खाने की टेबल पर बैठते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि खाने में मंजू ने तरह तरह के पराठे बनाए थे, साथ ही और भी बहुत सारी डिश थी। इतने तरह के पराठे देखकर चंचल के मुंह में पानी आता है और वो बिना कुछ पूछे ही खाना शुरू कर देती है और एक एक करके सभी तरह के पराठे चखती है। और कुछ देर में दोनों खाना खा के घर आते हैं तो सुषमा कहती है, क्या बात है, आज तो तूने चीनी का पराठा खाने की जिद ही नहीं की। अरे हाँ, इतने तरह के पराठों के बीच में तो चीनी के पराठे के बारे में भूल ही गई थी, पर कोई नहीं, मीठा पराठा कितना अच्छा लगता हो, लेकिन उसके चक्कर में खाने में और भी तो चीजें होती है, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। आज मंजू आंटी के घर पर मस्त खाना खाकर तो मजा ही आ गया। इसलिए तुझे जबरदस्ती ले गई थी ताकि चीनी के पराठे खाने के अलावा भी तू कुछ और चखे, एक ही चीज खाने का आधी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ सही कहा आपने, अब से मैं मीठा पराठा हमेशा नहीं खाया करूँगी। इस तरह चंचल हर वक्त चीनी का पराठा खाने की आदत खुद ब खुद छोड़ देती है और कभी कभी जब उसका मन आता तभी वो चीनी का पराठा खाती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।